हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आया हूँ किसी नई जानकारी नए किसी नए ज्ञान के साथ। इसी वीडियो फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं इन फ्यूचर वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को परेशानियाँ होती हैं कि रगों में दर्द होता है, उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं थोड़े धीरे धीरे, या एक जगह अगर बैठे रहें तो उनके हाथ पैर जो हैं बैठे बैठे थोड़ी जगह सुन्न हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर अगर आपका लो हो गया है तो काफ़ी हद तक ये मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, स्किप मत करना। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मैं आज का टॉपिक आपको बता देता हूँ कि क्या है वो इंजेक्शन। देख रहे हैं सामने न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन है, ये सामने आ रहा है यहाँ, और GMP सर्टिफाइड है, WHO जो होता है सभी जानते हैं उसका सर्टिफाइड है ये। इसमें फार्मूलाज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेकोब्लामिन, पायरोडेक्सन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन। और ये कंपनी जो है वो मैनकाइंड है, एक बेहतरीन कंपनी आती है, आप सब लोग इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, किसी पे भी हर जगह आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ये 2 ml का एक एम्पुल आता है, इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये एक दिन छोड़ के इसको इस्तेमाल करा जाता है, एक दिन अगर आप इसको एक दिन बीच में गैप लें फिर उसके बाद अपने किसी भी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब जैसा भी करेगा वैसा आप करवाएं। मेरी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ही लगवाना होता है। इसका यूज़ जो है वो इसमें साफ साफ लिखा है IM और IV यूज़ है, मतलब इंट्रा मास्कुलर एंड इंट्रावीनस यूज़। तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ये मांस में ही लगवाएं। लगने को ये नस में लग जाता है लेकिन कोशिश यही करें ज़्यादातर ये मांस में लगवाएं। इंजेक्शन ज़्यादा कारगर जो होता है वो मांस में साबित होता है। जिससे भी आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे वो आपको प्रेस्क्राइब जैसा करेगा आप वैसा इस्तेमाल करें। और अगर नस में अगर आप लगवाते हैं तो कुछ खाना खा के जाएँ, कुछ ज़्यादा हैवी खाना खा के जाएँ, एक आध घंटे के हेर फेर से आप इंजेक्शन लगवाएं। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसकी कॉस्ट होती है 2500 रुपये, इस पर MRP है। रिस्पॉन्स इसका अल्टीमेट रहता है, आप इसको कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। आप 4-5 इंजेक्शन एक एक दिन छोड़ कर लगवा लीजिए तो आपके जो हाथ पैर सुन्न होते हैं या आपके पूरे जोड़ों में या कहीं भी दर्द होता है या भी ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो ये आप 4-5 इंजेक्शन लगवा लें, काफ़ी हद तक आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देगा। आपकी जितनी परेशानियाँ अंदरूनी हैं या आपके बॉडी में पेन होता है या आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या रगों का दर्द हो रहा है आपके, तो उसको काफ़ी हद तक ये ठीक कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी हद तक परेशानियाँ दूर कर पाया हूँ। अगर कोई आपका क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जिसका मैं आपको आंसर नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट में दे दूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अपने भाई फैजान मलिक को इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहें, आप सब्सक्राइब कर लें, वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ तक मेरे साथ आए हैं आप, उसके लिए थैंक यू। चलिए अल्लाह हाफिज़।